हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रचिता मुंजाल, सीनियर कंसल्टेंट बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ गुड़गांव। आईवीएफ ट्रीटमेंट एक जर्नी है जिसमें कपल का टाइम, एफर्ट, फाइनेंसेस और सबसे ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होती है, और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर आईवीएफ जर्नी का फाइनल क्रूशियल स्टेप है, जिसके बाद प्रेगनेंसी की जर्नी स्टार्ट होती है। सो इसीलिए कपल्स के मन में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर के बाद बहुत एप्रीहेंशन होती है, बहुत सारे सवाल होते हैं, छोटे छोटे सवाल, जैसे कि हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसे सोएं, कैसे बैठें, क्या ऑफिस जा सकते हैं, क्या ड्राइव कर सकते हैं, और एक बहुत लंबी लिस्ट क्वेश्चंस की। तो आज हम बात करेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर के बाद कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर के बाद डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं या मेडिकेशंस देते हैं, जिनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इन मेडिकेशंस में सबसे कॉमनली प्रोजेस्टेरोन मेडिकेशंस दिए जाते हैं, जो यूट्रस को रिलैक्स रखने में हेल्प करते हैं। इसी के साथ साथ प्रीनेटल विटामिंस या कुछ ऐसी मेडिकेशंस दिए जाते हैं जो बॉडी को हेल्दी रखते हैं। तो इस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना, दवाइयों को टाइम टू टाइम लेना बहुत ज़रूरी है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर के बाद। फिर सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग आती है हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइट। एक बैलेंस्ड डाइट रखना, हेल्दी डाइट रखना प्रोसीजर के बाद बहुत ज़रूरी है। आप अपना रूटीन खाना खा सकते हैं, पर उसी के साथ साथ उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन कंटेंट को बढ़ा के अपनी डाइट को हेल्दी रख सकते हैं। वाटर इंटेक या लिक्विड इंटेक को बढ़ा के रखना चाहिए इस पीरियड में, और जंक फूड, बाहर का खाना या प्रोसेस फूड को अवॉइड करना चाहिए। फिर थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग आती है एक्सरसाइज। बहुत कॉमनली हमसे कपल्स पूछते हैं क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो हैवी एक्सरसाइज, हैवी वेट लिफ्टिंग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर के बाद अवॉइड करना चाहिए, बट लाइट एक्सरसाइजेस जैसे कि वॉकिंग या योगा आसन, ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप ऑफिस भी जा सकते हैं, अपना रूटीन का काम सब कुछ कर सकते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर के बाद, क्योंकि इंटरकोर्स के दौरान यूट्रस में प्रेशर आ सकता है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस सेट हो सकते हैं। सो फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना, पॉजिटिव माइंड्स रखना अपने माइंड में। सो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर के बाद फीमेल के मन में बहुत सारी चिंता होती है, बहुत सारी परेशानी होती है कि मेरा क्या रिज़ल्ट आएगा, क्या मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आएगी या नहीं। तो उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स रखना बहुत ज़रूरी है। अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो आपके मन को खुशी देती हों, जिससे आपका माइंड हेल्दी रहेगा, एट पीस रहेगा। एडिक्वेट स्लीप लेना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर के बाद। फिर अगर कोई आपको एडिक्शन है, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल या कैफीन इंटेक ज़्यादा रखना, ये हमें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये हमारी प्रेगनेंसी को, बेबी की डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। हॉट स्टीम बाथ या हॉट सोना बाथ हमें अवॉइड करना चाहिए आफ्टर द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर। सो इन द एंड मैं एक बात बोलना चाहूँगी, आप सब कुछ अपना रूटीन काम कर सकते हैं, कोई भी चीज़ रोकने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा माइंडफुल रह के अगर आप हर काम करेंगे तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर की सक्सेसफुल होने के चांसेस अच्छे रहते हैं। आई होप हमने आपके काफ़ी हद तक कुछ सवाल कवर किए हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर के बाद प्रिकॉशंस के, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पर इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।